डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, क्लास फाइव का मैथ मैंने लगभग लगभग 70% समाप्त कर दिया है। दो तीन चैप्टर अगर और बना लेते हैं तो कम्प्लीटली जो है किताब पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अब समय आ गया है कि हम लोग क्लास सिक्स के मैथ को लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक समय आएगा, जब तक सेशन चालू होगा, तो फिर हम लोग स्कूल के बराबर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए अभी से ही धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर क्लास सिक्स में शिशु मंदिर में एनसीईआरटी का बुक चलता है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर इसमें दिया हुआ है नोइंग आवर नंबर्स, अपने संख्याओं को जानना है। हम लोग जो संख्याएं पढ़ चुके हैं उसके बारे में हमें और विस्तार से जानना है। तो आप एक्चुअली समझ लीजिए कि चैप्टर वन में आप जो फाइव क्लास में पढ़ चुके हैं वही जो है क्लास सिक्स के चैप्टर वन में लगभग वही सारा चीज़ दिया रहता है उसमें रिविज़न के लिए। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया हुआ है। तो हम लोग इसके बारे में कुछ नंबर्स के बारे में यहाँ पे बतलाया हुआ है। और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 1.2 में कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग मतलब होता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से ये देखना है कि मतलब वो उससे छोटा है या बड़ा है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा गया है आई एम ग्रेटेस्ट, मतलब इतना जो ग्रुप दिया हुआ है नंबर्स की, तो इसमें जो सबसे बड़ा ये है, तो आई एम द ग्रेटेस्ट इसमें जो दिया हुआ है इसमें से ये सबसे बड़ा है। इस तरह का इसमें मैथ मिल सकता है, बनाने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे छोटा बड़ा वही कंपेयरिंग दिया हुआ है। उसके बाद आगे में हम लोगों को क्या मिल सकता है, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मैक, आप कितने नंबर्स इसको यूज करके बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है 2874, तो इन चारों नंबर को यूज करते हुए कितने नंबर्स आप बना सकते हैं, इसके अलावा इसको रिपीट नहीं करना है, इस तरह की कोई कंडीशन बताया हुआ रहता है विदाउट रिपीटेशन, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को इसमें मिल सकता है। और उसी से संबंधित दिया हुआ है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, तो प्रॉपर ऑर्डर का मतलब है कि इसमें हम लोगों को मिल सकता है असेंडिंग ऑर्डर। हम लोगों को इसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जो कि यहाँ दिया हुआ है, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा से छोटा, इस तरह का हम लोग को सजाने के लिए मिल सकता है। ये सारा कुछ जो हम लोग फाइव क्लास में ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे एक बार दिया जाता है ताकि बच्चों का एक रिवीजन हो जाए और उसके दिमाग में जो है याद ताज़ा हो जाए, इसलिए ऐसा दिया रहता है। इसके अलावा यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग 10,000, यहाँ पर 10,000 से उसका इंट्रोड्यूस करा रहा है कि यहाँ पर 9 + 1 = 10 हो गया। इस तरह से ये 9 जो है वन डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाता है और 2 digit का 10 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। इस तरह से बताया गया है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट किस तरह से बनता है। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, संभवतः आप लोग जानते ही होंगे, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाया गया है कि एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है। जैसे ये नंबर है तो ये वर्ड में इस तरह से लिखा जाएगा 89,324, और ये इस तरह से यहाँ पर इसको एक्सपेंडेड किया गया है 8 × 10,000, इस तरह से किया गया है, जैसे कि आप लोग पहले से जानते भी होंगे। और यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म को ही दिखाया गया है। लार्जर नंबर, बड़ा नंबर, यहाँ पे उसी नंबर को दिखाया गया, एक पैटर्न के रूप में यहाँ दिखाया गया है, कंप्लीट द पैटर्न। जैसे 9 + 1 = 10 हो गया, ये 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, इस तरह से हम लोग यूनिट का जो पढ़ाई करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो इस तरह से होता है। यहाँ पे एक बड़े नंबर को किस तरह से हम लोगों को पढ़ना है, किस तरह से लिखना है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि हम लोग उसको जानने के लिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इस तरह से काउंटिंग करते हैं, उसके बाद जानते हैं। तो इस ये दो तरह का होता है, एक इंडियन सिस्टम चार्ट होता है, यहाँ पे दिया भी होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। और इंडियन सिस्टम में कुछ अलग होता है, जैसे यहाँ पर यूज ऑफ कोमा, तो कोमा जो दिया जाता है वो इंडियन सिस्टम में कुछ अलग रहता है, फर्स्ट में 3, उसके बाद 2 चलता है, और इसके बाद जो है इंटरनेशनल सिस्टम आता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में फर्स्ट में 3 और उसके बाद भी 3 ही चलता है, तो उसमें काउंटिंग सिस्टम अलग होता है, ये मिलियन बिलियन उसमें इंटरनेशनल में चलता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन मिल सकता है हम लोगों को। और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एक्सरसाइज, 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए मैं आप लोगों को इसको पेपर में बनाकर दिखाता हूँ। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं पेपर पे, और ये क्लास सिक्स का मैथ है, सब्जेक्ट मैथ, और चैप्टर वन नोइंग आवर नंबर्स, अपने नंबर्स को हम लोग जानना है। एक्सरसाइज 1.1 है।
इसको सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरने के लिए कहा गया है। आप ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी का ये मैथ बुक है, तो एनसीईआरटी का मैथ बुक का बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में भी कोई ना कोई इसको ज़रूर बनाएगा, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कई बार स्टूडेंट्स कई दूसरे टीचर से समझ नहीं पाते हैं, तो सारे टीचर अच्छे हैं लेकिन किसके लिए कौन सा टीचर अच्छा है, किसकी बातें किसको समझ में आता है, ये मायने रखता है। अदरवाइज़ टीचर तो बहुत हैं, स्टूडेंट बहुत हैं, तो सभी स्टूडेंट्स जो है अपने उसका एक अपना एक फेवरेट टीचर होता है, तो उस हिसाब से वो अपना पढ़ाई करते हैं, किसकी बातें उसको ज़्यादा समझ में आता है, कौन उसे बेहतर समझा सकता है। सभी अच्छा समझाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन किसकी बातें स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता है, अच्छा समझ में आता है, ये मायने रखता है। तो आइए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए कहा जा रहा है, तो अब इसको हम लोग कैसे भर सकते हैं, आसानी से इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। 1 लाख, 1 लाख दिया हुआ है, और ये कितना 1000 बनेगा, 1 लाख को हम लोग को कितना 10,000 बनेगा, 10,000 में कन्वर्ट करना है, तो कितना बार वो कितना बनेगा। तो इसको सिंपली बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख लिख लेते हैं, 10,000, 100,000, 10,000 लाख, ये हो गया। और इसको क्या करते हैं, 10,000 में हमको कन्वर्ट करना है, बनाना है, तो इसको 10,000 जो है इसके नीचे लिख देते हैं, 10,000, 100,000, 10,000, ये कर दिए। तो इसमें कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे इससे कट जाएगा ये 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो को हम काट देते हैं, यहाँ से ये 4 जीरो कट गया और यहाँ से ये 4 जीरो कट गया, तो बचा क्या 10, इसका मतलब है कि ये 10 बचा, तो ये 10 बार 10,000 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या भर जाएगा, 10 भर जाएगा, ये आसानी से हम लोग जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में 1 मिलियन दिया हुआ है, ये कितना 100,000 बनेगा, तो इसको भी वही करना है। आप समझ लीजिए कि ये बेस्ट जो है इसका बनाने का मेथड है, तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 1 मिलियन आप लिख लीजिए, 1 मिलियन, 1, 10, 100,000, 10,000, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन हो गया, मिलियन। अब इसमें 100,000, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अगर 5 इसमें से जीरो हम हटा देते हैं, यहाँ से ये 5 जीरो हट गया, तो बच क्या गया 10, तो इसमें भी 10 आंसर आ रहा है, मतलब 10,000 इसमें बनेगा, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी में 1 करोड़ लेते हैं और 10 लाख, कितना 10 लाख बनेगा, तो 1 करोड़ ले लेते हैं, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो गया, अब हमको 10 लाख लेना, 1, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, ये हो गया। अब कितना हो गया, वो 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो इसमें से हटा देना है, ये कट गया 6 जीरो इसमें से, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका भी क्या आंसर आ रहा है 10, तो यहाँ भी 10 हम लोग भर देंगे, ये हो गया कंप्लीट। 1 करोड़ फिर लेते हैं और मिलियन, मिलियन में कितना आएगा, तो 1 करोड़ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जीरो आ रहा था, तो 7 जीरो फिर से ले लेते हैं, 1 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जीरो लिए, और हमको मिलियन लेना है उसके नीचे में, मिलियन, तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से ये कट जाएगा 6 जीरो, और इसमें से भी 6 जीरो हम काट दें, तो बचा क्या 10, तो मतलब इसका भी आंसर 10 पे आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 10। एक्चुअली सबका आंसर 10 ही दिया हुआ है, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, ऐसा मेथड हमको चाहिए जो हम कभी ना भूलें, हमेशा हमें याद रह जाए, ऐसा मेथड चाहिए। और मैथ में हमें ऐसे मेथड को अपनाना है, ऐसे मेथड को जान लेना है आसानी से, जो हमें, जो हमारे अंदर आ सके, जिसको हम समझ सकें। तो इसको भी 1 मिलियन लेना है, 1 मिलियन में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 मिलियन में 6 जीरो लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, और हमें लाख लेना है, 100,000, 10,000 लाख, तो यहाँ पे 5 जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से कट जाएगा ये 5 जीरो, और बच क्या गया, इसमें भी 10, तो यहाँ पे एक्चुअली ये एनसीईआरटी का बुक है और सब में इसमें 10-10 आंसर दिया हुआ है, लेकिन कई बार अदर कंपनी का जो बुक दिया हुआ है उसमें डिफरेंट नंबर दिया हुआ है और उसका आंसर जो है डिफरेंट आया हुआ है, तो आप इस मेथड से उसको भी बनाएंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आसानी से आप बना सकते हैं, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग इसको ठीक से पढ़ेंगे, प्लस कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबरल्स, यहाँ पे नंबरल्स इसका लिखना है और इसमें कॉमा भी लगाना, तो यहाँ पे वर्ड में दिया हुआ है,
यहाँ पे लिखा हुआ है 73 लाख 75,307, 73 लाख मतलब लाख हमको 10 लाख पे जाना है। तो एक नंबर आप लिख सकते हैं, मैंने 5 क्लास में इसको बतलाया है, तो आप नंबर लिख लीजिए कि 10 लाख का एक नंबर लिख लीजिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख, मतलब आपको इतना बड़ा नंबर लिखना है 73,000 का। तो 73 यहाँ पे हो गया आपका 73, उसके बाद लाख 73 लाख हो गया, 75,000 मतलब 75,000 हो गया, 1000 के घर में हो गया, उसके बाद 307 मतलब जीरो के बाद ये आ गया 7। तो इसमें कॉमा लगाना है, ये कॉमा यहाँ लगेगा इंडियन सिस्टम में, आप लोग को पता है फर्स्ट में 3 के बाद उसके बाद 2 लगते जाता है, तो फर्स्ट में 3 लगा दिए, 1, 2, 3, उसके बाद जो है 2, 2 करके लगा दिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कॉमा भी लग गया और इसका नंबरल भी लिखा गया, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से बी नंबर में भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं 9 करोड़। तो करोड़ का एक घर लेते हैं, तो करोड़ का घर क्या हो जाएगा, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। तो इतना बड़ा हो गया और हमको लेना क्या लिखना है, 9 करोड़, तो ये 9 लिख दिए, 9 करोड़ में आ गया। उसके बाद 5 लाख, उसके बाद जो है यहाँ 9 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे लाख और 10 लाख हो गया, यहाँ पे लाख हो गया, तो इसका मतलब है कि एक जीरो यहाँ पे और ये 5 लाख 41, तो यहाँ पे यहाँ लाख हो गया, यहाँ पे लिख लिए और 41, तो यहाँ 41 मतलब यहाँ पे लिखें ए 1, 2, 3 मतलब 3 घर जो है हमको जीरो लगेगा, 0, 0, 0 और ये हो गया 41। 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 5 लाख 41, तो यहाँ पे 3 के बाद और फिर 2, 2, ये हो गया कॉमा और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस अपना जो है मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, अपने ढंग से मेथड यूज़ कीजिए कि आपको समझ में आना चाहिए, आप सेटिस्फाई हों, सबसे ज़्यादा जरूरी यह है। और इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इसको रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए इसको 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आए। 7,52,21,302, तो मैं इसको जिस तरह से आसानी से समझता हूँ उस तरह से मैं बना रहा हूँ। 7 करोड़, अब करोड़ के घर में इसको चाहिए, तो यहाँ भी करोड़ का ही घर है, तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं 7 करोड़, तो 7 हो गया, 7 लिख लिए। 52,21,000, तो 52 मतलब 52 ही होगा, 52 लाख हो गया, उसके बाद 21,000, तो 21,000 हो गया, 21,302, तो 302 ये हो गया। 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, करोड़ में चला गया, कॉमा इस तरह से हम लोग लगा लेंगे, 2, 2 का ये हो गया, तो 7 करोड़ हो गया, 52 लाख हो गया, 21,000 हो गया और 302 ये आ गया इसका आंसर इस तरह से। उसके बाद डी नंबर में 58 मिलियन, अब यहाँ पे मिलियन की बात कर रहा है, 58,423,000, तो हम लोग मिलियन, तो इसमें हम लोग 10 मिलियन तक जाएंगे, 58 तो ठीक है, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 मिलियन, 58 तो ठीक है, 10 मिलियन तक हम लोग गए। अब यहाँ पे अगर 100 मिलियन यहाँ पे बोलता तो हम लोग 100 तक एक जीरो और बढ़ाते हैं, लेकिन 58 10 मिलियन तक बतला रहा है, तो 10 मिलियन तक हम लोग गए हैं। अब इसमें हम लोग लिखते हैं 58 हो गया, 58 मिलियन हो गया, 423,000 हो गया, उसके बाद 202 ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाते हैं, 3, 3 इंटरनेशनल सिस्टम में ये बताया जा रहा है, तो हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के माध्यम से ही इसमें कॉमा लगाए हैं। तो इसमें क्या अब आ रहा है, देखिए यहाँ पे 100,000 आ गया, मिलियन और 10 मिलियन, 58 मिलियन, 58 मिलियन हो गया, 423,000, 423,000, 202 ये हो गया कंप्लीट, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 23 लाख यहाँ पे इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है, तो 23 तो यहाँ पे 10 लाख तक जा रहा है, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख इतना बड़ा हमको नंबर लिखना है, तो 23 लाख, तो 23 ले लेते हैं, 23 और उसके बाद 30,000 मतलब 10,000 में 30,000, तो इसका मतलब है कि 10,000 में हम लोग को लगेगा, तो 30,000 हो गया, 10
तो यहाँ पे हो गया लाख, उसके बाद थाउजेंड, टेन, तो दो जीरो इस पर लग जाएगा, एक एक जीरो लगेगा और ये लास्ट में टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉमा इंडियन सिस्टम में लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे 23 लाख हो गया 30,010, 23 लाख 30,010, ये हो गया इसका आंसर। ये कंप्लीट हो गया, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। इंसर्ट कॉमाज, यहाँ पे कॉमा लगाने के लिए कहा जा रहा है। सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन, इंडियन सिस्टम के वैल्यू पर इसको लिखना है और उसके हिसाब से ही इसमें कॉमा भी लगाना है। तो इंडियन सिस्टम में जो कॉमा लगाया जाता है, फर्स्ट में 3 को छोड़ के 1, 2, 3 और फिर 2, 2, तो काफ़ी आसान है। तो उस हिसाब से हम लोग आसानी से इसको वर्ड्स में लिख भी सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 8 करोड़। तो इसको वर्ड में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 8,75,95,762, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद हम लोग इसको कॉमा लगा लेते हैं, 3, 2, 2, 2 करके हो गया इसमें। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 10,000 लाख, 10 लाख पे आ गया है, 85,000, इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे 85,46,283, 85 लाख, ये हो गया इसका आंसर, 85,46,283। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ फिर यहाँ और यहाँ, इसका मतलब है कि ये 1,000 हो गया, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ में जा रहा है, मतलब 9 करोड़, ये हो गया 9,99,00,000, 99,46,000, ये हो गया इसका आंसर। और इसमें हम पहले कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ और यहाँ, अब इसमें भी 9 करोड़, 9, ये इसका आंसर हो गया 9,84,32,701, ये हो गया। और इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 में वही चीज़ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में इंडियन सिस्टम में दिया हुआ था और क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम में लिख देना है, इसमें भी कॉमा लगा देना है इंटरनेशनल सिस्टम का। तो उसमें 3, 3 का सिस्टम चलता है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो इस तरह से सब में लगा सकते हैं। ये यहाँ पे हो गया, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन, तो इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 3, 3 का कॉमा लगा लेते हैं, ये हो गया, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, और अंत में जो है ये यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, इस तरह से। और इसको वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, मतलब 78 मिलियन, ये हो गया इसका आंसर, 78,921,092, ये हो गया। और इसमें 100,000 मिलियन सिर्फ मिलियन में है, तो 7,452,007, ये हो गया इसका आंसर, 7,452,283, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में, क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे 100,000, 10,000, 100,000 हो गया, मिलियन, 10 मिलियन, इसका मतलब है कि 99 मिलियन, ये है इसका आंसर, 99,985,102। और ये लास्ट क्वेश्चन, 100,000, 1,000,000, 10 मिलियन, इसका मतलब है कि 48,049,048, और ये अंत में इसका आंसर हो गया 48,049,831। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले चैप्टर को, अगले एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।